किया मैंने या नहीं? नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही ना जी? देंगे आप ना, हम बंदा देंगे जो नहीं समझ आ रही ना मेरे बेटा। जब तक हल नहीं होता पार्किंग नहीं कटेगी, ये हाथ जोड़ के विनती। वो बंदा ना तेरे जोड़ने या नहीं, वो बंदा ला दो जिसने इसको मारा। हम फिर नहीं पता तो आप घर चले जाओ। एक और अंकल जी, आप घर चले जाओ मेरे बेटा। मेरी बात सुन, आप थाने में ले आना, हम FIR दर्ज करा रहे हैं बेटा। अगर आप, आपको वो बंदा नहीं पता तो आप घर चले जाओ, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। सुन मेरी बात, मेरी बात, इसकी जगह तेरा बाप या तेरा चाचा होता तो फिर होता तो फिर तू क्यों ऐसा कर रहा है मेरे बेटा? फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ बस जाओ, आप अपने घर जाओ। तो विवाद बड़ा, आज पार्किंग को व्यापारियों ने फ्री करा दिया है। आज यह जो गाड़ियां यहां पर खड़े रहते थे लोग पार्किंग ठेकेदार के, वो आज फ्री में जो है पार्किंग जो है निकालनी शुरू कर दिया लोगों ने। व्यापारियों का कहना है कि वो पार्किंग किसी हालत में लोगों से नहीं लेने देंगे, पैसा जो है नहीं लेने देंगे। आज जो है पार्किंग जो है फ्री कर दी गई है और दो लोगों को पुलिस जो है अपने साथ में ले गई है। CTM साहब मौके पर पहुँचे थे, लेकिन CTM का कहना है कि वो घूमते हुए आए, उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली थी। अब मामला जो है बड़ा पेचीदा सा हो गया है। पुराना ठेकेदार अपना जो है यहाँ से निकल गया है, नया ठेकेदार जो यहाँ पर आया है उसको लेकर तीसरा दिन है। तीसरे दिन जो है लगातार विवाद होता शुरू हो गया है। अब पार्किंग जो है लोग देखो फ्री में आ जा रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और अब यह मामला जो है पुलिस के पास है और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी यह मामला जो है पहुँच चुका है। अब इस मामले को लेकर देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं। तो फिलहाल जो व्यापारी संगठन यहाँ पर खड़े हैं और सलाह कर रहे हैं अगली जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तीसरा दिन चौथा दिन आ गए, आपका हो गया। सुनो कमरे पहले तीन महीने उन्होंने चलाई, हमने किसी को कुछ कहा तो नहीं? या माए यहाँ पे ना हमें वो जानता ना अब हमें जानते हैं। वो हमारे पास आया था, उसने एक रिक्वेस्ट की थी, हमने उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी भाई किसी भी व्यापारी को तंग मत करिए, जो तुम्हारी 20 रुपये फीस है आप लो, लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। इसको ये देख साहब आज पार्किंग फ्री कर दिया, आगे पार्किंग का कैसे क्या कर रहे हैं मेरे भाई जी? जिस हमारे एक शहर के नागरिक को, जो एक रिक्शा चालक एक गरीब आदमी 200-400 रुपये कमा के अपने बच्चों को पालता है, उसके ऊपर जो यहाँ वो पार्किंग तो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको पार्किंग फ्री करा दी आपने। अभी मना किया ना तुझे मैंने? किया मना या नहीं? नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही ना जी? देंगे आप ना, हम बंदा देंगे जो नहीं समझ आ रही ना मेरे बेटा। जब तक हल नहीं होता पार्किंग नहीं कटेगी, ये हाथ जोड़ के विनती। वो बंदा ना तेरे जोड़ने या नहीं, वो बंदा ला दो जिसने इसको मारा। हम फिर नहीं पता तो आप घर चले जाओ। एक और अंकल जी, आप घर चले जाओ मेरे बेटा। सुन मेरी बात सुन, आप थाने में ले आना, हम FIR दर्ज करा रहे हैं बेटा। अगर आप, आपको वो बंदा नहीं पता तो आप घर चले जाओ, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। सुन मेरी बात, मेरी बात, इसकी जगह तेरा बाप या तेरा चाचा होता तो फिर होता तो फिर तू क्यों ऐसा कर रहा है मेरे बेटा? फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ बस जाओ, आप अपने घर जाओ। आज फ्री करा दिए कि जब तक हल नहीं निकलेगा मेरे बाबू जी? आज जिस तरह हमारा सारा शहर आपको पता है कि लगातार पिछले कई सालों से मंदे की चपेट में है, तो अगर अब सीजन के दिन है 5-7 दिन जो दिवाली के लोगों को कमा खा लेने देते हैं, कि हम इसकी तरफ से, हम इसके साथ तन मन धन से सारे व्यापारी इसके साथ हैं। अभी इसको आपके साथ ले जाके हम थाने के अंदर इसकी तरफ से एप्लीकेशन दिलवाएंगे और उसके ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे अज्ञात व्यक्ति के ऊपर। अगर वो नहीं होगा तो ठेकेदार अपने आप उसको यहाँ पे ला के देगा। अगर यहाँ नहीं है तो उसकी कमजोरी सी है, उसने अभी तक कैमरे क्यों नहीं लगवाए? अगर वो कहता है कि मेरे बंदे नहीं हैं, ये बंदा कोई पागल नहीं है, हम लोग कोई पागल नहीं है जो इसके लिए यहाँ खड़े हैं। अगर इसके साथ अनहोनी हुई है, इसको मारा गया है, इसके कपड़े फाड़े गए हैं, तो तभी सभी व्यापारी इकट्ठे होकर यहाँ पे पहुँचे हैं। नहीं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने घर वालों को भी, अगर घर से कोई फ़ोन आता है ना मेरे लिए ये ले आना, तो उसको भी लोग मना करते हैं आज के दिनों में।
क्योंकि क्यों सबके पास यही 15-20 दिन है रोटी कमाने के पूरे साल के लिए, और उसमें भी अगर वो काम धंधा छोड़ के इन चक्रों में पड़ेंगे तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। लेकिन कब तक खड़े रहोगे, क्योंकि आज दुकान का इनकी एप्लीकेशन दिलवा कर इनकी तरफ से एप्लीकेशन दिलवा कर कार्रवाई करवाने के सहयोग में जाएंगे। उसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे दिवाली खत्म होती है सभी के सभी पानीपत के सभी व्यापारी, उसमें कोई भी प्रधान हो, संयुक्त व्यापार मंडल समिति से हो, मंडल के हो, या कोई हमारे नेतागण हो, हम सबको इकट्ठा करेंगे, उनके इकट्ठा करके इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का एक्शन लेंगे। आज फिर पार्किंग फ्री करा दो क्या? आज जो है या तो उस लड़के को ला दो जिसने इनको मारा, नहीं तो यहाँ पर आज का दिन हम पार्किंग नहीं चलने देंगे। प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करे फिर? प्रशासन करेगा तो हम उसके इनके खिलाफ से भी पर्चा दर्ज करें। वो प्रशासन अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई किस बात पे करेगा? हमने किसको किसी को हमने मारा, किसी को हमने वो किया, इसको वो कहते हैं मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के अंदर अगर कोई लेबर या दुकान के अंदर कोई लेबर है तो मेरी मर्जी से ही तो खड़ी होगी। मैं उसको कहूँगा कि इसको इससे तुमने पैसे लेने हैं, तभी तो वो लेगा, या बिना पैसे बिना उसके कोई भी बाहर का बंदा आके पैसे लेने लग जाएगा। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये भी ठेकेदार की नाकामी है। अगर यहाँ ऐसा हो रहा है, वो कहते हैं कि मेरा बंदा नहीं है, तो ये भी उसकी नाकामी है ठेकेदार की। ये उसको अपने आप सुधारना पड़ेगा। पहले 3 महीने के अंदर ठेकेदार ने आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई, उसने बिल्कुल जो वादा किया था 20 रुपये और पास का उसी हिसाब से चला, आज तक किसी के साथ हाथापाई की या लड़ाई की नौबत नहीं आई। ये 2 दिन के अंदर ही ऐसा क्यों हुआ? अगर किसी गरीब आदमी का साथ देना प्रशासन अगर उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहता है तो हम कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हैं। चलिए, राजेश्वरी व्यापार मंडल समिति का प्रधान है और मामला आप लोगों को पता है कि पार्किंग को लेकर था। फिलहाल आज की पार्किंग जो है, जब तक इनका मामला नहीं सुलझता वो पार्किंग जो फ्री है, हो सकता है कि थोड़ी देर में शुरू हो जाए, लेकिन व्यापारियों में रोष है इस बात को लेकर कि गुंडागर्दी जो है इनकी शुरू हो चुकी है, चौथा दिन है, जैसा आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी है और मारपिटाई जो है की जा रही है। चौथे दिन में आज ये चौथा झगड़ा जो है वो सामने आ रहा है। वैसे पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत।